किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हूँ। अच्छा आज मैं क्या बना रही हूँ, चलिए आसानी बताएगा आपको। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मेरी मम्मा बना रही है पानी पूरी। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं पानी पूरी बना रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी मजेदार सी तीखी चटनी, तीखा पानी भी और मीठी चटनी वाला जो पानी आता है वो भी। और मैं रगड़े के साथ सर्व करने वाली हूँ। यूजुअली लोग वो बूंदी डाल देते हैं और जो हरे स्प्राउट्स होते हैं, हरा स्प्राउट्स, हरा मूंग जो डाल देते हैं, मूंगमर के अंदर जो मूंग आती है वो वाली डालते हैं। मुझे वो वाली इतनी मजा नहीं आती, बट मैं तो आज बढ़िया सी जो क्लासिक वाली जो हमारी पानी पूरी कही है, गोल गप्पे कही है, और तीसरा क्या है, क्या बताशे कहते हैं हमारे, अब क्या बताशी कहते हैं मेरे को तो नहीं पता था। That's something new. या और भी कुछ कहते हैं ना, गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचका, बटाटा, बताशे, ये सब आज एक ही है, वो सारा आज मैं बना रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने चटनी जो कौन सी वाली थी, खट्टी मिट्टी खजूर इमली की चटनी है, वो मैंने प्रीवियसली एक दिन पहले ही बना ली है, और मैंने रगड़ा भी एक ही दिन पहले बना लिया था। तो वो दोनों चीज मैंने एक दिन पहले बना ली थी, उसकी रेसिपी मैं अभी आपको इसमें भी डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, जो जिन्होंने वो वाले वीडियो को देखा नहीं है, ये वाले वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा वैसे वो वाला वीडियो का नाम क्या है मालूम है? क्या नाम है? मुंबई स्ट्रीट स्टाइल दही बटाटा पूरी। मुझे नाम थोड़े कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो मुंबई स्ट्रीट स्टाइल दही बटाटा पूरी, उसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां चेक कर लीजिएगा। बढ़िया सा बनाए, घर में बच्चे लोगों को खिलाए, फैमिली को खिलाए और मजा करे। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ चटनियां। ये है एक कप बटाने हैं, सफेद बटाने कहते हैं, रगड़े के लिए जो बटाने यूज होते हैं, आप अगले दिन रात को भिगा सकते हैं। मैंने सुबह में 7 बजे भिगाया था और अभी बज रहा है 1 बज रहा है, तो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। कुछ नहीं, 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दीजिएगा। चलिए अब मैं कुकर के अंदर इसे डाल देती हूँ नितार कर, और इसमें डाल दीजिए 3 कप पानी। वैसे मैंने 1 कप रगड़ा लिया है, आप चाहें तो आधा कप ले सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा बना रही हूँ, आधे कप का मैं दही बटाटा पूरी भी बना रही हूँ। वैसे वो बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। पानी डालने के बाद नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। इसे ढक्कन ढक दीजिए कुकर का, फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए गैस और तकरीबन 7 से 8 सीटी खिला लीजिए। अब अगर आपने रात भर भिगाया है तो 6-7 सीटी चाहेगी, और अगर आपने सुबह मेरी तरह भिगाया तो 7-8 सीटी चाहेगी। मैं 8 सीटी खिला के इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। प्रेशर अच्छा निकल जाए तो चेक कर लीजिए, अगर हो गए, देखिए देखने से ही लग रहे हैं प्रॉपरली माशाल्लाह हो चुके हैं। अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से 2-3 सीटी खिलाने रख दीजिएगा। मैं अब क्या कर रही हूँ, इन्हें निकाल कर साइड पर रख देती हूँ ढककर। वैसे मैं कल बना रही हूँ तो इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलिए खजूर इमली की चटनी बना लेते हैं। ये है 1/2 कप इमली, इसको मैंने 2-3 पानी से धोकर एक पतीली में डाल दिया। ये 1 कप खजूर है, ये बिना बिज्जे की है, सीडलेस है, और आप चाहें कोशिश कीजिए थोड़ा सा श्रेड करके डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे पास समय नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब डाल दीजिए 4 कप पानी इसके अंदर, चूल्हा चालू कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच कर दीजिए। वैसे मैंने इमली ऐसे ही डाल दी है, बेटर ये रहेगा कि आप 1 कप पानी के अंदर 1 घंटे पहले इमली को भिगा के रख दें। इमली जब भीग जाए तो उसका पानी पूरा निचोड़ के गुद्दे को फेंक दें और जो पानी जो आपको मिल रहा है इमली का वो इसमें डाल दीजिएगा, पर मेरे पास समय नहीं था, चलिए मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया। और अब इसे बार बार चलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक हमारी जो खजूर है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके एकदम घुल नहीं जाती। अब जब आपकी सॉफ्ट हो जाए और आपको लगे कि घुल नहीं रही है तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि जितनी सॉफ्ट खजूर होगी उतनी जल्दी घुलेगी। और अगर आपकी थोड़ी हार्ड खजूर है तो थोड़ा सा श्रेड करके डालिएगा इसे। ये देखिए कुछ देर में अच्छी घुल गई है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चम्मच पाधरा नमक, काला नमक जिसे कहते हैं, ये डाल दीजिए। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए और 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। कम या ज्यादा ये सारी चीजें अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं।
आधा छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दीजिए। वैसे 4 से 5 टेबलस्पून गुड़ डाल दीजिए। आपने गुड़ नहीं डालना है तो गुड़ का पाउडर डाल दीजिए या फिर शक्कर भी डाल सकते हैं, बेस्ट है गुड़ ही डालिए। मैं पहले 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं फिर से 3/4 कप पानी डाल देती हूँ। अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। इसमें मुझे गुड़ कम लग रहा है मैंने चखा था, तो मैं अब 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल रही हूँ। सादा नमक थोड़ा सा डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और चख लीजिए, कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसे तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें, बार बार चलाते रहें। जब 5-6 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिए चूल्हा और इसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब अच्छा ठंडा हो जाता है और इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर बैचेस में पीस लीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था पीसने के टाइम पे, टोटल मैंने 1/4 कप डाला है, दोनों बार 1/8 कप 1/8 कप डाला था। 2 बैचेस में मैंने इसे पीसा है और बाकी जो पीसने के बाद इसे छान लीजिए। चलिए मैंने सारा छान लिया है, इसे बर्तन में निकाल कर, कांच की शीशी में निकाल कर मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने चटनी बना ली है, मैंने ज्यादा चटनी बनाई है, आपको कम बना ली है। आप चाहे तो इस जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए आधा कर दीजिए तो इसकी आधा क्वांटिटी में बन जाएगी। अच्छा अब आपको लग रही है आधी क्वांटिटी भी आपके लिए बहुत ज्यादा है, ये पूरी क्वांटिटी का मैंने जो क्वांटिटी ली है पूरी का 1/4 पोर्शन ही आप मतलब इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा। जैसे 1 रुपए में चाराना जो बोलते हैं 25% मेजरमेंट लीजिएगा, ठीक है ना, पाओ। तो मैंने ये बनाई, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा है, दही बटाटा पूरी की वीडियो में भी, कि मैं बहुत ही मूड में हूँ चाट बनाने के लिए, इसलिए मैंने ये ज्यादा चटनियां बनाई है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, पानी पूरी का पानी बनाते हैं मस्त तीखा वाला। ये एक बहुत छोटी सी जूड़ी है, कोथमी की कही है या हरे धनी की कही है, बहुत अच्छे से धो लिया, नितार कर मैंने एक बाउल में रख दिया था। मैं आपको बता देती हूँ कितनी, ये देखिए टाइटली पैक्ड है ना, आधा कप जितनी हो रही है। तो ये बस ये मेजरमेंट से मैं बना रही हूँ और वो जो बराबर में रखी है वो 1/4 कप पुदीने के पत्ते हैं और उसे भी धो के मैंने रखे हैं। एक मिक्सर जार के अंदर धोई हुई और नितारी हुई ये कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए, आधा इंच अदरक बारीक कटा हुआ डाल दीजिए, 1/4 कप जितनी ये धोई हुई पुदीना डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा पादड़ा नमक यानी कि काला नमक, 1.5 हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून इमली, ये इमली का गूदा है, और यहाँ पर मैं 3/4 टेबल स्पून गुड़ डाल रही हूँ। आप चाहें तो टोटली स्किप कर सकते हैं, आप चाहें तो आधा टेबल स्पून डालें, आप चाहें तो 1/4 टेबल स्पून डालें। ये टोटल पानी 300 ml है, इसमें से मैं थोड़ा डालकर बहुत अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बना लीजिए। जब जब फाइन पेस्ट एकदम अच्छे से हो जाए तो इसे छन्नी में डालकर नितार लीजिए और बहुत अच्छे से ये जो चटनी बनाई है इसका पूरा कस निकाल लीजिए। बचा हुआ 300 ml का जो पानी है वो मिक्सर जार के अंदर डालकर चलाकर फिर से इस छन्नी में डालकर अच्छे से छान लीजिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारा कस निकल गया ना, तो ये मिल गया हमें तीखा पानी। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काट के डाल दें और थोड़ी सी बूंदी डाल सकते हैं तो आप डाल दें, मैं नहीं डाल रही हूँ। अच्छा यहाँ जो मैंने गुड़ डाला है ना, तो ये 2-in-1 टाइप है कि थोड़ा सा खट्टा मीठा रहेगा, स्पाइसी रहेगा, तो आप एज अ वो दूसरी चटनी की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, वो जो खट्टी मिट्टी वाली है ना इमली गुड़ की। बट अगर आपने इसमें गुड़ नहीं डालना है टोटली स्किप कर दीजिए, या फिर मेरी तरह थोड़ा सा ही डालिए बैलेंस के लिए। अब इसे ढक कर ठंडा होने फ्रिज में साइड पर रख दीजिए। मेरी प्रीवियस वाली रेसिपी में जैसे मैंने आपसे बताया कि आधा मैंने दही बटाटा पूरी में ये जो रगड़ा है इस्तेमाल कर लिया था पका हुआ, अब ये आधा रगड़ा है इसको मैंने क्या किया, फ्रिज से निकाल कर थोड़ा सा पानी डाला 1/4 कप जितना, और इसे फास्ट आंच पर एक उबाल खिला लिया। एक उबाल आ गया तो ढक कर स्लो आंच पर 4-5 मिनट पकने दिया। तो ये देखिए इस तरीके से गर्मा गर्म अच्छा खोलता हुआ मुझे रगड़ा मिला, थोड़ा सा ग्रेवी वाला, इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने कोथमीर डाल दी और चूल्हा बंद कर दिया। चलिए अब ये जो पूरी यहाँ है ना उसे एक एक पूरी लीजिए और इस तरीके से उंगली की मदद से बड़ा बड़ा बीच में गड्ढा कीजिए। अच्छा ये तो लोग कर लेते हैं खुद से, लेकिन मेरे घर में जरा मेरा बच्चा भी है और अरफात को भी मैं इस तरीके से प्रिपेयर करके देती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो रगड़ा पका हुआ है ना बीच में इस तरीके से पूरियों के एक एक पूरियों में इस तरीके से सारी पूरियों में भर लेती हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो खाएगा वही रगड़ा भरेगा। चलिए दस्तरखान बिछ चुका है, आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पूरियां हैं, पूरियों के अंदर मैंने रगड़ा डाला। आप चाहें तो मूंग डाल सकते हैं या फिर बूंदी भी डाल सकते हैं, भीगी हुई बूंदी आती है वो, लेकिन मुझे ये क्लासिक वे ज्यादा पसंद है। अच्छा आप चाहें तो बूंदी ये तीखे पानी में भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला, ये तीखा पानी था। ये है
खट मीठ पानी जो हम खजूर इमली का बनाए हैं, ये है रगड़ा और ये एक्स्ट्रा पूरियां हैं। और देखकर मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का, तो बस मैं फटाफट खा रही हूँ अब। तो चलिए, ये देखिए बन चुकी है मेरी मजेदार सी चटपटी सी क्लासिक पानी पूरी, जिसमें मैं डाल रही हूँ रगड़ा, मजेदार सा। तो चलिए, मैंने ये रगड़े का ये बना के रखा है कुछ ही पूरी के अंदर, इस तरीके से बीच में एक हाथ उंगलियों की मदद से मारेंगे ना तो ये एक होल हो जाएगा। अब मैं आपको ये डाल देती हूँ। अरे देखो तो सही, ये है मीठी खजूर इमली की चटनी। बाय। कैसी लगी? मैं थोड़ी सी अभी चटपटी बना रही हूँ। ये है बढ़िया सा पानी, हमारा पानी पूरी वाला, ये 2-in-1 है। आया। बहुत ही मजेदार। तो बढ़िया से, मैं तो मजेदार से मेरे क्या कहते हैं इसे, पानी पूरी, फुचका, अल्फाद आपके यहाँ क्या कहते हैं, गोलगप्पा और बताशे, गोलगप्पा और बताशे, ये एंजॉय कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने पता है आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए ये लिंक्स को, ये रेसिपी के लिंक को। और अगर आप ये रेसिपी बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और लाइक करना ना भूलिएगा ये वीडियो को। और हाँ, अगर आपको और कुछ चाट की रेसिपीज चाहिए, आपको लग रहा है आपको कुछ याद आ रहा है, मुझे कुछ याद आ रहा है तो मैं बना लूंगी, अगर आपको कुछ याद आता है तो जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर बना के अपलोड करूंगी मेरे चैनल पर। क्या कर रहे हो? फिर से हाजिर होंगी शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन लेट्स एंजॉय पानी पूरी। अच्छा, वैसे मैंने दही बटाटा पूरी की रेसिपी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, ऑलरेडी बना चुकी हूँ वो वाली चाट, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारी पानी पूरी। माशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अफ़ाद, जुलेखा किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआ है ठीक हूँ। अच्छा, मैं कुछ दिन पहले ना मोहम्मद अली रोड गई थी और वहां पर मेरे मेरे फेवरेट था, मैं वहीं पर, मेरे को लग रहा है बचपन से मैंने वहीं पर ही दही बटाटा पूरी बड़ी मजे से खाई है। और रिसेंटली गई थी मैं नाकुला मोहल्ला, वो नाकुला मोहल्ले की जो लेन है उसके ऊपर वो बेचते थे और अब बिल्कुल भी नहीं है वो, तो मैं बहुत मिस कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो घर पे बना लेते हैं। नीचे मिलती है बट वो लोग तो एकदम वो स्प्राउट्स डाल देते हैं, जैसे मूंग डाल देते हैं और वो क्या कहते हैं दूसरा क्या होता है वो, बूंदी, या बूंदी डाल देते हैं, तो उसमें मुझे वो ऑथेंटिक और वो जो क्लासिक दही बटाटा पूरी हुआ करती थी वैसा फ्लेवर नहीं आता है। तो आज मैं खुद घर में ही बना रही हूँ दही बटाटा पूरी एकदम क्लासिक वे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कल ना, मेरा इरादा कल बनाने का था, तो मैंने कल क्या क्या प्रिपरेशन की मालूम है, दही को बॉईल कर लिया, आलू को बॉईल कर लिया और खट्टी मीठी इमली और गुड़ की चटनी बना ली। तो ये 2-3 चीज कल मैंने कर ली थी, मैं आपको बता देती हूँ वो सारा प्रोसीजर मैंने कैसे किया, उसके बाद मैं आगे का बताती हूँ। ये कल मैंने आलू के पराठे के लिए आलू बॉईल किए थे, इसमें मैंने एक्स्ट्रा 2 आलू और बॉईल कर लिए थे, दही बटाटा पूरी के लिए मैंने वो साइड पर रख दिए। अब
अच्छा ये है, 1 कप बटाने हैं, सफेद बटाने कहते हैं, रगड़े के लिए जो बटाने यूज होते हैं, आप अगले दिन रात को भिगा सकते हैं। मैंने सुबह में 7 बजे भिगाया था और अभी बज रहा है, 1 बज रहा है, तो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। कुछ नहीं, 2-3 पानी से धो के साफ पानी में भिगाने रख दीजिएगा। चलिए अब मैं कुकर के अंदर इसे डाल देती हूँ नितार कर, और इसमें डाल दीजिए, ये 1 कप है तो मैं 3 कप पानी डाल रही हूँ। अच्छा यहाँ पर मैं ना रगड़ा ज्यादा बॉइल कर रही हूँ क्योंकि मुझे पानी पूरी के अंदर भी यही रगड़ा अभी एक ही साथ बॉइल कर रही हूँ, तो आप चाहें तो सिर्फ आधा कप रगड़ा बॉइल कीजिए, क्योंकि आपको ये वाली रेसिपी के लिए सिर्फ आधा कप रगड़ा ही चाहिएगा। शुरुआत में मैंने कहा कि मैंने दही को बॉईल किया है, मैंने दही नहीं रगड़े को बॉईल किया है, तो माफी चाहती हूँ उसके लिए। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसे ढक्कन ढाक दीजिए कुकर का, फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए गैस, और तकरीबन 7 से 8 सीटी खिला लीजिए। अब अगर आपने रात भर भिगाया है तो 6-7 सीटी चाहिएगी, और अगर आपने सुबह मेरी तरह भिगाया तो 7-8 सीटी चाहिएगी। मैं 8 सीटी खिला के इसका चूल्हा कर देती हूँ बंद। प्रेशर अच्छा निकल जाए तो चेक कर लीजिए, अगर हो गए, देखिए देखने से ही लग रहे हैं प्रॉपरली माशाल्लाह हो चुके हैं। अच्छा नहीं हो तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से 2-3 सीटी खिलाने रख दीजिएगा। मैं अब क्या कर रही हूँ, इन्हें निकाल कर साइड पर रख देती हूँ ढाकर, वैसे मैं कल बना रही हूँ तो इन्हें फ्रिज में रख देती हूँ। तो चलिए खजूर इमली की चटनी बना लेते हैं। ये है 1/2 कप इमली, इसको मैंने 2-3 पानी से धोकर एक पतीली में डाल दिया। ये 1 कप खजूर है, ये बिना बिज्जे की है, सीडलेस है, और आप चाहें कोशिश कीजिए थोड़ा सा श्रेड करके डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मेरे पास समय नहीं था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब डाल दीजिए 4 कप पानी इसके अंदर, चूल्हा चालू कर दीजिए और एक उबाल आ जाने दीजिए। जब एक उबाल आ जाता है तो मीडियम आंच कर दीजिए। वैसे मैंने इमली ऐसे ही डाल दी है, बेटर ये रहेगा कि आप 1 कप पानी के अंदर 1 घंटे पहले इमली को भिगा के रख दें। इमली जब भीग जाए तो उसका पानी पूरा निचोड़ के गुद्दे को फेंक दें, और जो पानी जो आपको मिल रहा है इमली का वो इसमें डाल दीजिएगा, पर मेरे पास समय नहीं था। चलिए मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर दिया, और अब इसे बार बार चलाते रहें और तब तक पकाएं जब तक हमारी जो खजूर है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट होके एकदम घुल नहीं जाती। अब जब आपकी सॉफ्ट हो जाए और आपको लगे कि घुल नहीं रही है, तो इस तरीके से स्पैचुला की मदद से प्रेस करते जाइएगा, क्योंकि जितनी सॉफ्ट खजूर होगी उतनी जल्दी घुलेगी, और अगर आपकी थोड़ी हार्ड खजूर है तो थोड़ा सा श्रेड करके डालिएगा इसे। ये देखिए कुछ देर में अच्छी घुल गई है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/4 छोटा चाय का चम्मच पाधरा नमक, काला नमक जिसे कहते हैं, ये डाल दीजिए। 1/4 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, और 1/4 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। कम या ज्यादा ये सारी चीजें अपने स्वाद अनुसार आप कर सकते हैं। 1/2 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर भी डाल दीजिए, वैसे 4 से 5 टेबलस्पून गुड़ डाल दीजिए। आपने गुड़ नहीं डालना है तो गुड़ का पाउडर डाल दीजिए, या फिर शक्कर भी डाल सकते हैं, बेस्ट है गुड़ ही डालिए। मैं पहले 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, और अब मैं फिर से 3/4 कप पानी डाल देती हूँ। अगर आपने नहीं डालना है तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। इसमें मुझे गुड़ कम लग रहा है मैंने चखा था, तो मैं अब 2-3 टेबलस्पून और ऊपर से डाल रही हूँ। सादा नमक थोड़ा सा डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए और चख लीजिए, कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, और इसे तकरीबन 5-6 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दें। बार बार चलाते रहें, जब 5-6 मिनट हो जाए तो बंद कर दीजिए चूल्हा, और इसे पूरी तरीके से कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब अच्छा ठंडा हो जाता है, और इसे मिक्सर जार के अंदर डालकर बैचेस में पीस लीजिए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला था पीसने के टाइम पे, टोटल मैंने 1/4 कप डाला है, दोनों बार 1/8 कप 1/8 कप डाला था, 2 बैचेस में मैंने इसे पीसा है, और बाकी जो पीसने के बाद इसे छान लीजिए। चलिए मैंने सारा छान लिया है, इसे बर्तन में निकाल कर, कांच की शीशी में निकाल कर मैं ढककर फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 2 पूरे इतने निकले हैं, गुड़ इमली की चटनी चटपटे सी मजेदार सी बना के रख दी है। मैं थोड़ी दिन तक थोड़ा चाट बनाने की कोशिश में लगी हुई हूँ, तो मैंने ज्यादा बनाई है। आपको कम बनानी है तो जो भी क्वांटिटी मैंने ली है उसकी आप आधी लीजिए, आपको उससे और ज्यादा कम बनानी है तो मैंने जो क्वांटिटी ली है उसको 1/4 कर दीजिए और उसमें उतना बना लीजिएगा। मैं ज्यादा बनाई हूँ क्योंकि मुझे कल पानी पूरी भी बनानी है, दही भले भी बनाने हैं, तो मैंने सोचा एक साथ ही सारा प्रिपरेशन कर लूं। और ये है ना, तकरीबन आप फ्रिज में रखे ना 15-20 दिन तक आराम से खा सकते हैं, जब भी मन करे निकाल लीजिए। लेकिन हाँ, फ्रेश चम्मच लीजिएगा और चम्मच को अच्छे से धो के पोंछ के फिर डालिएगा, झूठा चम्मच मत डालिएगा। तो उससे क्या, हमारी चटनियां हैं, हमारी जो भी चीज आप फ्रिज में रखते हो वो काफी दिनों तक चलती है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम दही को बड़ा फटाफट फेंट के साइड पर फ्रिज में रख देते हैं।
एक बाउल के अंदर आधा कप भर कर दही डालिए, एक टेबल स्पून शक्कर डाल दीजिए, हल्का सा चुटकी भर हमारा सादा नमक डालिए और चुटकी भर हमारा पागड़ा नमक जो आता है वो डाल दीजिए। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फेंट लीजिए। जब शक्कर अच्छे से घुल जाए पूरी तरीके से, चख लीजिए, कम लगे तो थोड़ा और डालकर फेंट लीजिएगा। अच्छा टेस्ट बैलेंस बराबर मीठा लगे ये दही तो ढक कर इसे फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख दीजिए। आलूओं को छील लीजिए और रफली बारीक काट लीजिए। इसमें डाल दीजिए 1/4 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला और 1/4 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर। सारी चीजों को मिक्स कर साइड पर रख दीजिए। वैसे ये सारी चीजें नहीं भी डालनी है आपको तो सिर्फ आलू छील कर रफली चॉप करके साइड पर रख दीजिए। जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया, एक दिन पहले मैंने रगड़ा बना लिया है, तो इसमें से अब मैं आधा रगड़ा जो पका हुआ है ये बर्तन में डाल रही हूँ। इसका चूल्हा चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर। इसमें 1/4 कप जितना पानी डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, 1/4 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए हल्का सा चुटकी भरा और 1/4 छोटा चाय का चम्मच चाट मसाला डालकर मिक्स कीजिए। एक उबाल आ जाए फास्ट आंच पर तो स्लो आंच करके 4 से 5 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अच्छा, आपने ये मसाले सारे नहीं डालने, कोई बात नहीं, मत डालिएगा। सादा रगड़ा भी आप रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसे पानी डालकर पका लीजिएगा। जैसे ये देखिए 4-5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कैसा थिक हो चुका है और गाढ़ा गाढ़ा सा हो चुका है, और सिर्फ रगड़ा रगड़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा ग्रेवी टाइप लग रहा है। तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद, आपने भी वैसा ही रखना है। चलिए इसके बाद हम क्विकली अभी हरी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक छोटी सी थी मेरे पास कोथमीर की झूड़ी, हरे धनिया की झूड़ी, तो उसे मैंने 2-3 पानी से धो के नितार कर मिक्सर जार के अंदर डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए 8-10 धोए हुए कड़ी पत्ते, 2-3 हरी मिर्चियाँ, 5-6 कली लहसुन की, 1.5 से 2 टेबल स्पून धोए हुए पुदीने के पत्ते, 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चाय का चम्मच शक्कर, कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, सिर्फ बैलेंस के लिए डाल रही हूँ, और थोड़ी सी इमली धोई हुई, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से बारीक पीस लीजिए इसे इस तरीके से। चख लीजिए, कुछ कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरी परफेक्ट है। मैं इसे कांच के शीशे में निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। तो आपने देखा मटर को मैंने थोड़ा सा और फिर से फ्राई कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के बॉइल कर लिया कि थोड़ा सा एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा मसाला भी डाला है, आपने नहीं डालना कोई बात नहीं, मत डालिएगा। अच्छा, मैंने ये हरी चटनी बना ली है जैसे अभी आपने देखा, तो अब क्विकली हम असेंबल करते हैं हमारी दही बड़ाडा पूड़ी, मजेदार सी चटपटी सी एकदम। सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा ये सारी चीजें असेंबलिंग के लिए चाहिएगी। और यहाँ पर मैंने 6 पूरियां ली है। 1 पूरी लीजिए, उंगली की मदद से बीच में गड्ढा कीजिए, थोड़ा बड़ा कीजिएगा गड्ढा। हाँ, अब सारी 6 हो जाए पूरियों को, तो अब इसमें डाल दीजिए आलू। अच्छा, मैंने थोड़े मसाले वाले करे हैं, आपने देख सकते हैं, आप बिना मसाले वाले किए हो तो सादे डाल दीजिए। थोड़ा सा उंगलियों की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लें और फिर डालें तो थोड़े से मैश और ज्यादा हो जाएंगे। चलिए 6 में ये मैं डाल देती हूँ। उसके बाद ये जो रगड़ा हमने गाढ़ा बना के रखा है, मैंने थोड़ा सा मसाला डाला, आपने नहीं डालना है कोई बात नहीं, आप सादा रगड़ा डाल दीजिए। तो अब मैं इसके ऊपर, ये सारे हो गए, अब मैं इसके ऊपर ये रगड़ा जो है ये ग्रेवी वाला ये डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर सारी पूरियों के ऊपर डाल दीजिए ये जो दही हमने उसके बाद फ्लेवर वाली बना के रखी है, गाढ़ी गाढ़ी मस्त मस्त ठंडी ठंडी, वो सारी पूरियों के ऊपर थोड़ी थोड़ी डाल दीजिए इस तरीके से। हरी चटनी डाल दीजिए जो हमने बनाई है सारी पूरियों के ऊपर इस तरीके से। फिर ये जो गुड़ इमली की चटनी है वो भी डाल दीजिए सारी पूरियों के ऊपर इस तरीके से। थोड़ा सा भुना हुआ और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए सारी पूरियों के ऊपर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए सारी पूरियों के ऊपर। थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए, थोड़ा सा पादड़ा नमक स्प्रिंकल कीजिए और थोड़ा सा सेव डाल दीजिए। आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब फिर से मैं ये जो बचा हुआ रगड़ा है ना ये थोड़ा थोड़ा और डाल रही हूँ बढ़िया सा ग्रेवी वाला, और इसके ऊपर फिर से मैं दही और ज्यादा डाल रही हूँ। कम या ज्यादा ये सारी चीजों का आप अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। फिर से मैं थोड़ी सी चटनियां डाल रही हूँ सारी पूरियों के ऊपर, और फिर लास्टली ये वाली चटनी डाल रही हूँ गुड़ इमली की चटनी। पहले आपने देखा हरी इमली की चटनी डाली थी, फिर से मैं थोड़ा सा दही डाल रही हूँ। दही तो मजेदार, दही बड़ाडा पूड़ी तो मजेदार दही से ही लगेगा। थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पादड़ा नमक, काला नमक जिसे कहते हैं, और थोड़ी सी सेव डाल दीजिए, नायलॉन सेव आती है ना वो,
और थोड़ी ज्यादा डालना है तो ज्यादा डाल सकते हैं, और ठंडी ठंडी सर्व कीजिए हमारी मजेदार सी दही बटाटा पूरी। अच्छा, आप थोड़ा सा ऊपर डालना चाहें तो चटनियां वगैरह साइड पर रखिए और दही भी साइड पर रखिए, जो भी डालना है आप डाल सकते हैं ऊपर से। तो ये बन चुका है और आप देख सकते हैं। चलिए आइए बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको खाके भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत ही मजेदार है, मजा आ गया, बहुत मजा आया। अच्छा ना, आपको भी दूं ना? पूरा तो मैंने ही खा गया उसका। यम्मी है, मजा आया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आपको पता है आपने क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना है, और हाँ, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में इसे जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करना है। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। मुंबई स्ट्रीट स्टाइल कहिए, मोहम्मद अली रोड स्टाइल कहिए, नाखुदा मुल्ला रोड स्टाइल कहिए, स्ट्रीट स्टाइल दही बटाटा पूरी मजेदार सी बढ़िया सी। अल्लाह हाफिज़।